नमस्कार दोस्तों, साइबर सॉल्यूशन ऑनलाइन कैफे में आपका स्वागत है और मैं सुभाष कुमार। दोस्तों, आज आप लोग को ऑर्गेनाइज्ड डीएलएड के बारे में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जैसे कि आप लोग को पता होगा, स्टडी सेंटर में बताया गया होगा कि एनआईएस का एक एग्जाम फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, एग्जामिनेशन डेट भी आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि क्या है एग्जामिनेशन डेट और कब से एग्जाम शुरू होगा। तो आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए एनआईएस ने जारी किया है एक नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि नोटिफिकेशन में कि आपका पहला एग्जाम जो होगा वो अप्रैल मई के बीच में होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द फर्स्ट एनआईएस पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड इन 3 मॉड्यूल्स 501, 502, 503 विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई 2018। यहाँ पे साफ लिखा है कि आपका जो एग्जाम होगा अप्रैल मई 2018 के बीच में होगा। अब यहाँ पे देखिए कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो भी भराना स्टार्ट हो चुका है। 15 फरवरी से लेके 6 मार्च तक विदाउट लेट फाइल के आपका भरा जाएगा। यहाँ पे लिख दिया है सारा, आपका 501, 502, 503 का फॉर्म भरा रहा है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म भरना है वो भी आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कितने सब्जेक्ट में कितने रुपए लगेंगे। तो एग्जामिनेशन फी जो है वो पर सब्जेक्ट 250 रुपया है। यदि आप 501, 502, 503 का फॉर्म डालते हैं तो 750 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, वो विदाउट लेट फाइल का। यदि आप 7 तारीख से यानी 6 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, 7 तारीख से आप डालते हैं, 7 से 15 तक आपका 100 रुपया लेट फाइन है, यानी टोटल 350 रुपया आपको लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो ये था आपका नोटिफिकेशन। उसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका जब एडमिशन आप लिए होंगे तो उसमें आपको रेफरेंस नंबर, इनरोलमेंट नंबर, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालेंगे तो वहाँ सबसे पहले एक इनरोलमेंट नंबर रहता है लिखा हुआ। तो आप उस इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखिए एक लिंक भी जारी कर दिया गया है एनआईएस की तरफ से, और यहाँ पे आपको डालना है। तो ये इस प्रकार से इनरोलमेंट नंबर आपको डालना है। यहाँ पे गलत हो गया है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपका इनरोलमेंट नंबर, नाम और फादर नेम और परसेंटेज आपका आ गया है। यदि आपका परसेंटेज 50% से कम है तो आपको एनआईएस का इम्प्रूवमेंट देना आवश्यक है। तो आप यहाँ अप्लाई जब कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आपका लिखता है कि डू यू हैव अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 12 इन एनआईएस। यदि आप रजिस्टर्ड किए हैं तो यस करना ना भूलें, क्योंकि आप यस नहीं करेंगे तो फिर रिकॉर्ड वहाँ पे जाएगा नहीं। यदि आपका 50% से कम है तो वहाँ पे यस करें। यदि एडमिशन नहीं लिए हैं एडमिशन ले लें, और यदि आपका वहाँ 50% से अधिक है तो डायरेक्ट देखिए होम पेज में पेमेंट का पेज में आ जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा है कि 501, 502 और 503 ये तीनों का 250 रुपये पर सब्जेक्ट का लेगा, यानी मल्टीपल करेंगे तो 750 रुपये यहाँ पे पेमेंट में चले जाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये था आज का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का प्रक्रिया। तो और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है साइबर सॉल्यूशन ऑनलाइन कैफे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।